हेलो पिला माने आसिसिन एजुकेशन यूट्यूब चैनल रे तुम मन को स्वागत। तो पिला माने तुम माने थंबनेल देखि जानि सारिथियो मु आज तुम मन को केउ टॉपिक रे कहिबा को जाउ छी। ना पिला माने हमरो महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनॉमस कॉलेज ताखतपुर बारीपदा तरफरु आसी जाई छी हमरो कॉमन प्रोस्पेक्टस फॉर आईटीपी एडमिशन 2023-24। तो पिला माने समस्त वेट रे थिले कि हमरो इंटीग्रेटेड बीएड एडमिशन पई केबे प्रोस्पेक्टस आसीबो। जेउ माने भी तुम मानकर एनसीईटी एंट्रेंस एग्जाम दे थिलो समस्ते बहुत सारा पिला माने हमरो वेट रे थिले कि एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज केबे आमर नोटिस आसीबो। तो पिला माने टोटल तुम मानकर सीट थिला 3950 टी सीट ऑल इंडिया। तो एही वीडियो रे मु तुम मानकु जणै देबी कि आमर एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज ताखतपुर बारीपदा पई तुम मानकर सीट केतोटी अछि, देन इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन, सिलेक्शन प्रोसीजर कौन, देन तुमर फी स्ट्रक्चर केते, देन केबे तुमर फाइनल मेरिट लिस्ट बाहर के तुमर केतोटी सिलेक्शन लिस्ट आसीबो, गोटिए सिलेक्शन लिस्ट आसीबो ना दीटी सिलेक्शन लिस्ट आसीबो, देन केबे से सिलेक्शन लिस्ट आसीबो, ता रिगार्डिंग समस्त इनफॉरमेशन जणे देबी। एवं पिला माने तुम मानको पई गोटे खुशी खबर कि तुम मानकर फी स्ट्रक्चर बहुत कम रहूछि हमर एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज बारीपदा रे। तो से तुम मानक देखे दौर दे तापर किसी चेंजेस आसला मुझे तुमको जनईबी। बट वर्तमान तुम आईटीपी एडमिशन 2023-24 जो कॉमन प्रोस्पेक्टस आमको देखे दौर एटी ऑल डिटेल्स तुम मैंने जापर ता पूर्व तुम मैंने जब एजाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन रे क्लिक कर दियो, जो द्वारा एमती सब समस्त इनफर्मेसन पाइपर। ठीक अच्छे पिला माने तो वर्तमान आहुरी आमर कॉलेज यूनिवर्सिटीज गुड़ी करे आमर मेरिट लिस्ट आसी गलानी, जहार वीडियो भी मुझे पब्लिश तुम मैं करदेगी। मुझे वीडियोर डिस्क्रिप्शन में तुमको गोटे वीडियो लिंक देदेवी। आमर जीएनडी यूनिवर्सिटी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट मेरिट लिस्ट आसी जाइए। पिला माने 107 मार्क किंबा 125 मार्क 200 मार्क 300 मार्क रखिक सिलेक्शन होती। ठीक अच्छे पिला माने तो तुम मैंने तुम मान रिजल्ट जाणी सारी किए के पाइ तुम मर स्कोर कार्ड आसी जाइए। मुझे तुमको कही केमती स्कोर कार्ड डाउनलोड कर। तो वर्तमान आसीगला तुम मान सिलेक्शन टाइम पिला माने तो देख ये तुम मानक समस्त डिटेल्स मुझे जनईदेवी से ओरेड होवार ना पिला माने। तो जी भी जो कॉलेज रे अप्लाई करिछो सही कॉलेज रे तुम माने वेबसाइट विजिट करि परिबो। जो माने भी अलग कॉलेज रे अप्लाई करिछो मु तो तुमको एबे एमपीसी रो सब डिटेल्स जणै देबी। अन्य जो कॉलेज रे तुम माने अप्लाई करिछो तुम चेक करथिबो जीएनडी यूनिवर्सिटी रो मते जणै देइछि तुम मानको वीडियो एई वीडियो डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक दे देबी। तो देख एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज ताखतपुर बारीपदा मयूरभंज ओडिशा फॉर एडमिशन टू 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड कोर्स आईटीईपी। तो यहाँ हूँ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो मुझे तुमको जस्ट कह पूर्व जस्ट गोटे इनफर्मेसन जनईदेवाई चाहिए कि आईटीपी पिलाने तुम मैंने जब पाच ताल निश्चित भाव एडमिशन कर, बिकज पिलाने वर्तमान जो सेल्फ फाइनेंसिंग इंटीग्रेटेड बीएड अच्छी ना, वर्तमान तुम मैंने जान थो आम सेल्फ फाइनेंसिंग इंटीग्रेटेड बीएड चली। तो से तुम फीज बहुत नौ नियरली 45,000 टू 50,000 पर इयर नौ ना। तो ये तुम मान फी स्ट्रक्चर तो कमी आगामी पिला माने किछि वर्ष भितर तुम मानकर कम्प्लीटली सेल्फ फाइनेंसिंग भी उठी आम एनसीईटी आमर इंटीग्रेटेड बीएड मध्य कंटिन्यू हम आमर यू चलो एमती सेल्फ फाइनेंसिंग इंटीग्रेटेड बीएड एगुड़िक क्लोज कर दिजिव सब एनसीईटी रे कन्वर्ट हो पाने किसी वर्ष भितर कन्वर्ट हो तुम मानक चांसेस रही। तो से एनसीईटी जो मैंने पाच एडमिशन कर बुझीला। तो देख एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज विषय ये तुम मैं 1948 स्टार्ट होता। तो यहाँ देख तुम मर डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड बीएड कथा चिंता करवा। तो इंटीग्रेटेड बीएड रे एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज रे आगुरु 100 जन छात्र छात्री पिलाने पाठ पढ़ु जो मैंने सेल्फ फाइनेंसिंग अंडर रे से वर्षक आम 35,000 रु 50,000 भितर कोर्स फी दौंस हॉस्टल अलग फीस दौरान नियरली 1,00,000 खर्च हो आमर कौन 100 जन नियरली 1,00,000 मुझे कह मतलब निजर सब खर्च मिसेकि 1,00,000 पखापाखि खर्च हो प्रति वर्ष जो मैंने भी सेल्फ फाइनेंसिंग रे एडमिशन करूँ। तो ऑलरेडी 100 पिला एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज रे एडमिशन कर सारे पखापाखि कम्प्लीट हो गला। सेकेंड फेज रे पुणी आमर कम्प्लीट हे जोटा कि आम साम्स अंडर रे अच्छी। तो एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज रे 100 सीट पिला माने अलग सेल्फ फाइनेंसिंग, तुम जो आईटीईपी सी पुणी अलग
ये पुणे अलग 100 सीट मे भी तुम मानक एकाठी गोटे प्लेस पढ़े पारती कि तुम सेक्शन हो पाए कि सब सही तो इंटीग्रेटेड कोर्स ना बट ये आम आईटीपी एनसीईटी एंट्रेंस एग्जाम थ्रो रे सिलेक्शन यही 100 सीट हूँ सेल्फ फाइनेंसिंग जोटा तुम मार्क बेसीस सिलेक्शन यहाँ सैम्स अंडर में होईटीपीटा तुम एनसीईटी एंट्रेंस एग्जाम थ्रो रे हो तो ये 100 सीट पे देख तुम मानदे द इंटीग्रेटेड बीए डिपार्टमेंट हाज बीन ऑपरेशनलाइज्ड इन एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज बारीपदा फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2016-17 तो 2016-17 ठारु तुम मानकर बीए बीएड पई 50 सीट बीएससी बीएड पई 50 सीट सेल्फ फाइनेंसिंग मीड रे आमर कोन मोड रे आगरु कंडक्ट हेउ आसे अछि तो एही वर्ष ठारु तुम मानकर पिला माने कोन होउछि ना एनसीटीई आमर गाइडलाइंस अनुसार बोथ बीए बीएड बीएससी बीएड पई आईटीपी कोर्स लॉन्च करा जाइछि आमर कोठि ना एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज रे ता सहित तुम मानकर सीट मध्य पिला माने डिस्ट्रीब्यूट करि जाय करि दिया जाइछि देख कोर्सेस द कॉलेज प्रोवाइड्स फॉर योर इंटीग्रेटेड बीए बीएड एंड बीएससी बीएड तो बीए बीएड कोर्स आउ बीए बीएड बीएससी बीएड कोर्स प्रोवाइड करूछि तो बीए बीएड पई 50 सीट बीएससी बीएड पई 50 सीट तो आगरु 50-50 थिला एबे 50-50 तो बीए बीएड 100 बीए बीएससी बीएड 100 हेइ जिवो तुम मानक जो मैंने एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज एडमिशन करेंगे बट एनसीईटी एंट्रेंस थ्रो तुम मानक टोटल 100 सीट अच्छी आमर एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज क्यों ऑनर्स केते सीट देख मुझे इंग्लीश ऑनर्स 10 सीट ओडिया ऑनर्स 10 सीट हिस्ट्री 10 सीट पॉलिटिकल साइंस 5 सीट इकोनॉमिक्स 5 सीट ज्योग्राफी 10 सीट टोटल आर्ट्स अच्छी 50 सीट साइंस रो फिजिक्स 10 सीट केमिस्ट्री 10 सीट मैथमेटिक्स 10 सीट बॉटनी 10 सीट जूलोजी 10 सीट टोटल तुम 50 सीट तो साइंस आउ आर्ट्स मिसेक पिला 100 सीट बर्तमान देखा आम इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज पर एनसीटीई गाइडलाइन 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट नंबर 118 एप्रिल टू 2019 तो आम एनसीटीई गाइडलाइन अनुसार द एप्लिकेंट्स मोस्ट हैव पास्ड प्लस टू आर्ट्स और साइंस और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सिक्योरिंग एटलिस्ट 50% मार्क तो प्लस टू रे पिला माने 50% मार्क रखिथिबा दरकार जो पिला एंट्रेंस रे बहुत मार्क रखि दिथिले भी जदि प्लस टू रे 50% मार्क रखिनि ताले से एलिजिबल नाही तो तुमरो कोन 50% मार्क रखिथिबा दरकार प्लस टू रे द एप्लिकेंट मोस्ट हैव अपीयर्ड द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी एज मेंशन इन द कॉमन प्रोस्पेक्ट 2023-24 एंड शुड हैव ऑप्टेड फॉर दिस कॉलेज ता माने जीए एनसीईटी एंट्रेंस एग्जाम देछि सीए ही पाई परिबो हमर आईटीपी कोर्स अलग माने केही भी पाई परिबे नाही तो एनसीईटी कोर्स पई अप्लाई करिछो एवं एई कॉलेज पई प्रेफरेंस देछो एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज पई प्रेफरेंस देछो ताहले तुम मानक सिलेक्शन तुम नेम काउंट करा जीवो पिला माने बुझीला तो एनसीटी एंट्रेंस देछ एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज को प्रिफर करथिलो ताहले तुम माने हमर इलिजिबल अछ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द कॉलेज वेबसाइट फॉर द डिटेल इनफॉरमेशन पई तुम माने विजिट कर पारिबो अदरवाइज मु तुमको मध्ये समस्त डिटेल्स जणै दउछि सिलेक्शन प्रोसीजर देख द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो तुम मान सिलेक्शन केमती हे एनसीईटी एंट्रेंस मार्क अनुसार या पूर्व मु तुमको जीएनडी यूनिवर्सिटी रो मेरिट लिस्ट देखी से देखी कौ पिला केखाएं मार्क रखिंट किए 300 रखी किए 200 रखी किए 100 रखी किए 107 118 120 एमती भी मार्क रखिंट पे सिलेक्शन होती तो से ही वे तुम मार्क को देखिकी ही सिलेक्शन कर इन केस ऑफ टाई अंडर सिलेक्शन क्राइटेरिया एडमिशन टू इंटीग्रेटेड बीए बीएड प्रेफरेंस विल बी गिवन द एप्लिकेंट हैविंग हायर मार्क्स सिक्योर्ड इन इंग्लिश इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन इफ इंग्लिश मार्क आर टाइड मार्क्स सिक्योर्ड इन एमआईएल शुड बी टेकन इन टू कन्सीडरेसन ता माने पिला माने देख मन कर तुम लास्ट बेल को दुज पिला सेम सेम मार्क अच्छी से जेकोसी मन कर गोटे सीट अच्छी दुज पिला सेम सेम मार्क अच्छी से ही केस इंग्लीश मार्क अधिक थी जदि इंग्लीश मार्क भी सामान अच्छी तापर देखा एमआईएल मार्क जहाँ अधिक थी बुझीगला देन इन केस ऑफ टाई अंडर सिलेक्शन क्राइटेरिया एटा ला हमरो बीए बीएड पई आउ बीएससी बीएड पई पिले माने कोन होबो बीएससी बीएड पई हमरो पीसीएम एंड इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड सीबीजेड पई कहारो प्रेफरेंस निया जीवो जदी दुई जणकर टाई अप थिबो ताले केमिस्ट्री मार्क चेक करा जीवो फास्ट हमरो कोन इंग्लीश मार्क चेक करा जीवो जहारो इंग्लीश ताकु निया जीवो जदी इंग्लीश भी दुईटा को समान ताले केमिस्ट्री चेक करा जीवो जहारो केमिस्ट्री अधिका थिबो ताकु ही निया जीवो बुझी गेला
तापर देख ये आम कौन कहुई ऑनर्स सब्जेक्ट सिलेक्शन विल बी मेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। तो पे मैंने एबू ऑनर्स तुमको दिजावनी तुम्हें जितेबाला एडमिशन कर सारे हे टाइम तुम मर कौन हम ना तुम ऑनर्स सिलेक्शन हम तुम जो मैंने सीरीयल थी मनकर 50 पिला बी ए बी एड 50 पिला बी एससी बी एड तो फास्ट 50 पिला अनुसार डाके रैंक अनुसार रैंक वन रैंक टू एमती डाके मनकर रैंक वन को डाकिले तू कौ ऑनर्स ना चाहूँ से अनुसार से जो ऑनर्स इंटरेस्टेड से ऑनर्स नब तापर मनकर 10 मनकर आम कौन कहली मनकर मुझ फिजिक्स कहली 10 जो 10 सीट फिलअप होगा बर्तमान तुम मैंने चाहिए भी से 10 सीट नहीं पारोनी जेकोसी अलग सीट नब केमिस्ट्री अच्छी तुम मन अलग अलग सीट थी बुझेगा कि ना। तो जो मैंने प्रथम अच्छा जो मान रैंक अधिक भल अच्छी से आग चान्स मिले से इच्छा मुताबक नहीं पारे तापर अन्य मानक पुणी तुम मन जो ऑनर्स थी से ही ऑनर्स भितर तुम जेको ऑनर्स नहीं पार। तो ऑनर्स पे मैंने मिल जाए अधिकांश केस रे देन सिलेक्शन ऑफ ऑनर्स सब्जेक्ट विल बी मेड ओनली द बेसिस ऑफ मार्क। मुझे तुमको कहली जो मैंने आग प्रोसेस अच्छा काउनसलिंग प्रोसेस से आग चान्स दिजावर देख रिजर्वेशन कौन अच्छी ना एससी कैटेगरी 15% रिजर्वेशन अच्छी मैंने तुम टोटाल जी सीट से भितर एससी कैटेगरी पे आमर 15% रिजर्वेशन अच्छी देन तुम एसटी कैटेगरी पे 7.5% रिजर्वेशन अच्छी ओबीसी पे 27% रिजर्वेशन अच्छी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी पे 5% रिजर्वेशन अच्छी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे 10% रिजर्वेशन अच्छी आउ जहाँ रहा आमर कौन ना जनरल पेपर देख एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तहसिलदार यमानक पाखरु तुममानक अथॉरिटी पाखरु सर्टिफिकेट गेन करथिबा दरकार ताहाले जेकि तुमर रिजर्व सर्टिफिकेट कोन रिजर्वेशन काम करिवो जदि तुम आमर तहसिलदार हो किमा मजिस्ट्रेट हो किबा आमर कोन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होंतु किमा एसडीएम होंतु किमा आमर तहसिलदार यमानक पाखरु तुम सर्टिफिकेट हेथिबा दरकार एससी हो एसटी हो ओबीसी हो ईडब्ल्यूएस हो बुझेगा आज जो मैंने पीडब्ल्यू डी से कौन ना 40% किंबा 40% रू अधिक डिजेबिलिटी थे जाकर हम ए सीडीएम आमर कौन जोटा कि आम चीफ मेडिकल ऑफिसर जो रोचे सीएमओ ऑफ सिविल हॉस्पिटल पाखु तुम मान सर्टिफिकेट मिलता दरकार। तापर वर्तमान आसीगला पे फी स्ट्रक्चर तो देख ठीक फी स्ट्रक्चर रे कोर्स फीटा के अगर कलेज 45,000 एमती थाए बट से किसी भी मेनसन होनी तो देख के मेनसन हो इंटीग्रेटेड बीए बी एड रेगुलर आईटीईपी पिला देख जनरल बॉयज मानक 1549 टंका गर्ल्स मानक 1429 टंका देन एस टी एस सी ऑल समस्त 1419 टंका तापर तुम देख अदर स्टेट अदर यूनिवर्सिटी जो अच्छा किए ताहले बॉयज मानक 1609 टंका गर्ल्स मानक 1499 टंका एस टी एस सी पिला 1479 टंका देन इंटीग्रेटेड बी एस सी बी एड पर देख 1612 टंका जनरल 1480 टंका आमर कौन ना गर्ल्स मानक जनरल गर्ल्स मानक एस टी एस सी समस्त 1469 देन अदर स्टेट अदर यूनिवर्सिटी 1672 बॉयज 1540 गर्ल्स जनरल तापर तुम मन देख एस टी एस सी समस्त 1529 टंका। तो ये तुम मन कोर्स फी दे पाने तो ये बहुत लो कोर्स फी अच्छी पे एन सी टी अंडर में तापर जो तुम मन किसी भी न्यू किसी इनफर्मेसन आसला तो मुझे तुमको इनफर्म करी कोर्स फी रिगार्ड बट बर्तमान पर्यटन तुम ये हिं आ तो तुम मानी कौन सी भी इंटीमेसन लेटर तुम मन पाखक पठाजना तुम डायरेक्टली कॉलेज वेबसाइट रे मेरिट लिस्ट बाहर जितेबले भी बाहर मुझे तुमको जनईबि अदरवैज तुम मैंने भी चेक कले जापर तो जितेबले बाहर जो मानकर नेम लिस्ट थी से काउनसलींग प्रोसेस जॉइन करेंगे काउनसलींग प्रोसेस सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक ठाक हेल्ले तुम मैं एडमिशन हो पार तुम मैंने एडमिशन कर तो केवे पे आसब तुम फास्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट देख पे पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फास्ट सिलेक्शन आसीबो पिला माने 14 सेप्टेम्बर 2023। तो पिला माने टोटल पिला माने देख आमर दुईटा सिलेक्शन आसीबो गोटे फास्ट सिलेक्शन गोटे सेकेंड सिलेक्शन तो फास्ट सिलेक्शन आसीबो 14 सेप्टेम्बर जो मानकर फास्ट सिलेक्शन आसीथिबो सेमानकर रिपोर्टिंग हेबो एडमिशन पई केबे ना 25 सेप्टेम्बर रु 26 सेप्टेम्बर माने 25 सेप्टेम्बर आउ 26 सेप्टेम्बर ए दुई दिन रे सेई पिला मानकर एडमिशन हेबो माने रिपोर्टिंग हेबो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो आउ एडमिशन हम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहार भूल बाहर तेल आमर कौन कर दिजिव ना रिजेक्ट कर दिजिव अदरवाइज समस्त एडमिशन होबर 27 सेप्टेम्बर तुम मानक आसो सेकेंड सिलेक्शन से ही पिला पुणी 3 अक्टोबर रु 5 अक्टोबर
पर्यंत चलो आम रिपोर्टिंग एंड एडमिशन बुझीगला। तो यही हिसाब से तुमको 5 अक्टोबर बेलू पे तुमकोपर पुणी जदि तुम सीट भैकेंट रहा थर्ड सिलेक्शन मेरिट लिस्ट पुणी आसीबो मनेकर सेकेंड सिलेक्शन पर भी सीट भैकेंट रहीगला ताहले थर्ड सिलेक्शन मेरिट लिस्ट पे आसीजीव बुझीगला। तापर देखो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन दरकार एडमिशन टाइम रे एनसीईटी 2023 रो जो स्कोर कार्ड तुम डाउनलोड करथिबो सेटा दरकार देन ओरिजिनल हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10th रो सर्टिफिकेट प्लस टू रो सर्टिफिकेट तुम सीएलसी देन तुम कंडक्ट सर्टिफिकेट सीएलसी पिला माने जो भी एडमिशन करथिबो जदि एठी सिलेक्शन होइगला तुम सेठू टीसी आनी पारिबो सेही कॉलेज रो सीएलसी ही तुम चलिबो। तापर कंडक्ट सर्टिफिकेट तापर माइग्रेशन सर्टिफिकेट तापर तुम सब ओरिजिनल आमर कौन सर्टिफिकेट जहाँ भी रिजर्वेशन अच्छी सहित जेरोक्स कॉपीज जे पीडब्ल्यू डी थी पीडब्ल्यू डी आम कौन सर्टिफिकेट तुम आइडेंटिटी प्रूफ दरकार तुम आधार कार्ड हो कि तुम जेको आइडेंटिटी प्रूफ दे पार वैलिड एड्रेस प्रूफ दे पार रेसीडेंट सर्टिफिकेट दे पार एडमिशन फीटा तुम कैश रे देव तापर तुम 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देव ओके देन एनसीटी रो जो आमर करिकुलम अच्छी एनसीटी करिकुलम कारण कौन इंटरनेट बीएड रो करिकुलम तो सही करिकुलम रही तुम मानक पाठपढ़ा चलो दे साल भी सेमिस्टर पैटर्न तुम मानक रही 4 वर्ष 8 सेमिस्टर रही जमी हो तुम मानक सेमती ही इक्वाली रही जो मैंने इंटरनेट बीएड पढ़ुं जमी से पाठ सिलेबस एग्जाम सबकि तुमको सामान रूल आमर कि इंटरप्रिट हेब ना ठीक अच्छे पे। तो ये थिला पिला माने तुम मानकर देख तुम मानकर डिटेल्स पिला माने एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज पई तो एटा हमरो जनरल ईडब्ल्यूएस जो माने अछंती से माने ए सर्टिफिकेट टी हमरो देई परिबे एटा तुम मानकर अटैच हे कि अछि तुम माने जदि चाहिबो हमरो एप रे पिला माने एटा अवेलेबल हे जीवो ऑल इन्फॉर्मेशन बोले गोटे कोर्स अछि एप रे सेथि मु पीडीएफ टी को अवेलेबल कर देबे अदरवाइज तुम वेबसाइट रे पाई परिबो। तो एटा देखि पारथबो एटा को फिल अप करके देबा को पड़िबो ईडब्ल्यूएस पिला मानक पई जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो मानकर दरकार से मैंने यू फिलअप करके तुम मैंने कौन कर पारी ना सबमिट करपर देख ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो मैंने अच्छा से मैंने यहीटा फिलअप करनेक्चर में दिखाई एस सी एस टी सर्टिफिकेट फॉर्मेट जो मन एस सी एस टी बिलंग करुछ तुम यहाँ दे पारे तुम मानक देख डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट ये अच्छी फॉर्मेटा तुम या कि दे पार जो मर अच्छी किसी ना जो मर ना से फॉर्मेट नहीं कि बाहर करकेपर ठीक अच्छे पे। तो ये तुम मानक टोटल डिटेल इनफर्मेसन अबाउट एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज आमर एनसीईटी आईटीपी एडमिशन एंड इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी पे तुम मैं जब तुम आईटीपी एडमिशन कर पार्टी तुम कोर्स फी भी बहुत लो अच्छी जदि एक्सट्रा तुमको आसला कोर्स फी नोट तुमको जनइबी बट बर्तमान तुम मानक नोटिस आमर गोटे नॉर्मल फीज अच्छे जोटा कि आम कौन नील कहले चले अलग अलग कॉलेज रे 45,000 रु अधिक नौकर किसी मेनसन है ना तुम मन को एनसीईटी आईटीपी रे ओनली तुम कौन कोर्स फी रे से आम कौन 1500 टाँचा पाखापाखी तुम मन को अच्छी तो चान्स मिली निश्चित भाव जो मन को सिलेक्शन होडमिशन कर पाने ठीक अच्छे जिते अन्य डिटेल्स आसो मुझे जनईदेवी ठीक अच्छे। सो थैंक यू ऑल यदि एमती इनफर्मेसन जानवाक चाहूँ निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब कर जहाँ भी डाउट थोड़ा तुम मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। थैंक यू।